हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर टुडे वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन इन गेट 2023 क्वेश्चन नंबर 28 एट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन इज लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टू ई क्यू एक्स इज द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोम ऑफ डिग्री लेजे और इक्वल टू फोर फॉर द डेटा सम डेटा इज बट डेटा में क्या है क्यू ऑफ एक्स इज Uh, for minus 2 q of x is p of minus 2. So first of all we have to calculate p of minus 2, p of minus 1, p of 1 as well as P of 3. Okay. What we have to find out? Find we have to find the value of uh, 4 derivative of Q with respect to x at point x equal to 0. But here how many points are given? 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5. आर गिविंग ठीक है सो द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्यू एक्स इज ऑफ डिग्री फोर क्यू एक्स का डिग्री कितना होगा फोर होगा और कोई भी पॉलिनोमियल सपोज लेट एनी पॉलिनोमियल एच एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू फोर इसको अगर हम फोर टाइम्स डिफ्रेंशियट करेंगे सपोज फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा फोर एक्स क्यूब सेकेंड टाइम किया तो क्या आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्र थर्ड टाइम किया तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर एक्स एंड फोर्थ टाइम ट्वेंटी फोर इज इट ओके मतलब कि जो सिर्फ कोई फिशेंट है उसका ट्वेंटी फोर आता है फॉर मोनिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेस टू फोर अगर आगे कोई भी टर्म्स होंगे सपोज एक्स क्यूब है तो उसका जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो वैनिश करेगा फॉर एक्स क्यूब राइट लेकर देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर यहाँ पर आएगा सिक्स एक्स यहाँ पर आएगा सिक्स और यहाँ पर वो वैनिश हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा मतलब कि से ऑफ टॉप एक्सरेस टू फोर आएगा यहाँ पर कोईफिशन ऑफ एक्सरेस टू फोर क्या है वन है तो यहाँ पर ट्वेंटी फोर इंटू वन आएगा ओके सो वी हैव टू ओनली फाइंड आउट कोफिशेंट ऑफ एक्स रिस टू फोर सो लेट स्टार्ट हम यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना पड़ेगा मतलब कि पी ऑफ माइनस टू तो p ऑफ माइनस टू कैसे फाइंड करेंगे पुट माइनस टू इन p ऑफ x सो वी गेट द वैल्यू माइनस टू p of -1 is 3 p of 0 is already given so we don't need uh, no need to calculate again and next one is p of 1 p of 1 is 1 p of 3 is 23 now all points are getting so let us start to find out first let us make the divided difference table माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन थ्री पॉइंट्स आर माइनस टू थ्री टू पॉइंट फाइव वन ट्वेंटी थ्री अभी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा एक्स वन सेकेंड होता है एक्स ज़ीरो एक्स वन एक्स टू थर्ड होता है क्यू एक ज़ीरो एक्स वन एक्स टू x3 4 x0 x1 x2 x3 x4 ठीक है अभी ये कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बताती हूँ फर्स्ट आपको करना है थ्री माइनस माइनस टू अपॉन माइनस वन माइनस माइनस टू आंसर क्या आएगा फाइव आएगा न्यूमरेटर में फाइव आएगा और डिनोमनेटर में वन सो लास्ट आंसर इज फाइव सिमिलरली टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस वन सो आंसर इज़ माइनस जीरो पॉइंट फाइव सिमिलरली वी कैलकुलेट वन माइनस टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाय वन माइनस जीरो एंड आंसर इज़ माइनस वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट इज ट्वेंटी थ्री माइनस वन ट्वेंटी टू डिवाइड बाई थ्री माइनस वन टू सो ट्वेंटी टू बाई टू इज़ इलेवन ठीक है अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है माइनस पॉइंट फाइव माइनस फाइव ये दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय यहां पर तीन पॉइंट 0 so पड़ेगा जीरो माइनस माइनस टू सो आंसर क्या आएगा माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू इज माइनस टू पॉइंट सेवन फाइव सिमिलरली minus one point5 plus point five Kiega is cancel minus one point5 0.5 is 1 and divided by two so it will become minus 0 0.5. Minus minus point five next is 11 minus. माइनस वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री माइनस ज़ीरो थ्री तो आंसर क्या आएगा इलेवन करके देखो कैलकुलेशन ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन नाउ देयर आर फोर पॉइंट्स सेम स्टेप माइनस पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय अभी फोर पॉइंट्स लेने हैं वन माइनस माइनस टू कैलकुलेशन करूं आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव नेक्स्ट फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन माइनस माइनस वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन फोर इसका आंसर आएगा वन पॉइंट सिक्स 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 सेवन नेक्स्ट वन इज वन पॉइंट सिक्स 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 सेवन माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट थ्री प्लस टू फाइव तो इसका आंसर रहेगा जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री थ्री राइट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली लास्ट पॉइंट बिकॉज द पॉलिनियल फॉर्मूला इज जनरल फॉर्मूला है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस क्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस क्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन प्लस क्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू नेक्स्ट वन क्यू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री ओके दिस इज़ द लास्ट टर्म एंड वी आर इंटरेस्टेड इन लास्ट टर्म बिकॉज अगर हम इसका अगर फोर्थ डेरेवेटिव फाइन करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा बिकॉज इस ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है इसका भी डेरेवेटिव फोर्थ डेरेवेटिव क्या आएगा ज़ीरो आएगा सिमिलरली इसका फोर्थ डेरेवेटिव क्या आएगा ज़ीरो आएगा और इसका फोर्थ डेरेवेटिव क्या आएगा ट्वेंटी फोर इंटू कोफ़िशेंट एज आई डिस्कस अर्लियर ट्वेंटी यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस किया था कि ट्वेंटी फोर इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू फोर आता है और यहाँ पर एक्स एक्सरेज टू फोर का कोफिशियंट क्या है ये टर्म क्यू ऑफ फोर डिवाइडेड डिफरेंस मतलब क्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर मीन्स दिस वन सो लेट इस फाइंड आउट लेटेस्ट फाइंड आउट फोर्थ डेरेवेटिव ऑफ क्यू एक्स इज वॉट क्यू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इंटू ट्वेंटी फोर बिकॉज अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स फोर एक्स थ्री तो इन मल्टीप्लीकेशन जो है एक्स का जो कोफ़िशियंट है एक्स टू फोर का वो वन है यहाँ पर ठीक है और अगर उस इक्वेशन uh, को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू फोर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा क्यू एक्स ज़ीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर लेकिन ये क्या है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट थ्री थ्री इंटू ट्वेंटी फोर विच इज़ इक्वल टू कैलकुलेशन आप करके देखो आंसर टू पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो समथिंग आएगा इसीलिए इसका आंसर क्या है टू है therefore डी फोर क्यू बाई डी एक्स थ्री टू फोर इज टू ठीक है और यहाँ पर uh, x0 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर क्या है दिस इज एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर आई होप यू गेट इट ओके इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक